बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। चलिए जी, इसी के साथ ही आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। आज हम फिर तैयार हैं शहर कस के, कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली जो है मोहम्मद सुबान की खाला, उन्होंने अचानक बुलाया है, जो मेरी सिस्टर हैं, सगी सिस्टर हैं मेरी। तो अभी हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो फजर जो है वो सोई हुई है, इसको मैं नहीं लेकर जा रही हूँ। ये भी सोई हुई है, फाइका भी सोई हुई है, और मोहम्मद सुबान जो है वो चलेगा मेरे साथ। और उस साइड पे ये है फाइका। ये इतनी बड़ी बड़ी हो गई और झूलों में सोती हैं, ये सो रही है। और मोहम्मद सुबान खुश है, पहले फजर जाती थी, तो अभी जो है मोहम्मद सुबान वो भी जाना शुरू हो गए है ना। चलिए जी, चलते हैं। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। चलिए चलते हैं। हाँ जी, तो ले जी, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दरियाए रावी पे। तो मैंने ट्रैवलिंग व्लॉग जो है वो आपको नहीं दिखाया, मैंने कहा आप लोग बोर हो जाएंगे कि ट्रैवलिंग व्लॉग ही दिखाती रहती है। तो अभी हम लोग दरियाए रावी पर पहुँच चुके हैं। सूरज जो है वो अभी यहाँ पर है। अभी कौन सा टाइम हो गया? असर का टाइम होगा जी। हाँ जी, अभी असर का टाइम हो चुका है, और ये आ चुका है जी दरियाए रावी। दरियाए रावी ने अपने बहुत सारे रुख बनाए हुए हैं, यहाँ से गुजर रहा है, अभी वहाँ से खुश्क है, फिर आगे से है। तो अभी हम चलते हैं, क्योंकि इस साइड से मुझे लगता है रास्ता नहीं है, तो बहुत ही ख़तरनाक रास्ता। तो वो कैसा ख़तरनाक है मैं आपको भी दिखाती हूँ। अभी चलते हैं, क्योंकि अभी इस साइड से ना मुसाफिर आ रहे थे, तो वो हमें कह रहे थे कि ध्यान से जाना, क्योंकि इस साइड से रास्ता जो है वो बहुत ख़तरे से खाली नहीं है। आज मोहम्मद सुबान नहीं, गन्ना नहीं लेना। तो आज फजर जो है वो तो नहीं आई हमारे साथ, वो सो रही थी, तो इसलिए फिर हम लोग आए हैं। तो मेरी मायके अम्मी जान लोग जो हैं वो सभी इस साइड पे रहते हैं। ये दरियाए रावी, और दरियाए रावी के उस पार रहते हैं अम्मी लोग, और इस पार रहते हैं हम लोग। ये देखें, जब हम लोग पहली बार आए थे ना फजर के बाबा, तो ये वाली सारी जगह थी है ना। हाँ। ये वाली जो सारी, हाँ जी सीधा, और ये जिधर मेरे साथ जा रहे हैं, हाँ जी। तो ये वाकई बहुत ही खतरनाक है, यहाँ से दिखाना, यहाँ से दिखाने फजर के बाबा, ये जो है ये वाली जगह। मैं दिखाऊं, तुम पीछे खड़ी नहीं नहीं मैं आप, जो आपको लाइनें नजर आ रही हैं। हाँ जी, अगर हम यहाँ पे खड़े हों तो फौरन दरिया के अंदर, तो इसलिए बेहतर है तो मैं तो इस साइड से हो जाऊंगा। हाँ जी, इधर हो गया, ये अभी नजर आ रही है। हाँ जी, फसलों के अंदर से है ना। हाँ जी, ये सारे जो है ना जमीन अंदर जा रही, इधर हो जाए फजर के बाबा, इधर हो जाए। हाँ जी, सूरज का सीन जो देखने वाला है वो भी आपको दिखाता हूं। हाँ, सूरज जो है वो भी सर पे है। ये गन्ने का खेत साथ में है यहाँ पर, और भी उस साइड पे भी खेत है, वो सारा ये दरिया में चला गया। ये दरिया रहा है, सूरज इधर भी है दरिया में। हाँ जी, दरिया वापिस वापिस वापिस। हाँ जी, ये मैं थक गई हूँ, क्योंकि मोहम्मद सुबान काफ़ी वजनी है माशाल्लाह से, इसलिए फिर मैंने इसको अपने कंधों पर बिठा लिया। बचपन में हमारे अब्बू जो हैं वो भी ऐसे ही हमें बिठाते थे कंधों पे। पर सफर काफ़ी करना है अभी, तो इस्लाम टाटा करके वापस आ जाना। अच्छा, हाँ जी, ये हमें धोखा दे रहे हैं, हमें कहा था कि लेकर जाऊंगा। अच्छा, थोड़ा साइड पे होना प्लीज, मुझे डर लगता है आप यहाँ गिर ना जाए। ये कमाद में से आ गया रास्ता, ये थोड़े दिनों तक ये भी गिर जाना है। अच्छा तारिक, मोटरसाइकिलों वाले पता नहीं, डर भी नहीं लग रहा यहाँ से गुजार रहे हैं, ये चीज गिर भी सकती है। अच्छा, ये सुबान को लगे भी ना। ओए चल, ये गिद्दड़ ऐसे करके गुजरेगा ऐसे। गुड्डे, ओए होए, बच गया हाथ इसका। हाँ, इसने उसको पकड़ लिया था, बार बार देख रहा है अभी छूट क्यों गया मेरे हाथ से, देख। शुक्र है, ये अगर लग जाए तो सारा हाथ जो है वो, हम इसको चीर कहते हैं, लेकिन समय लेके कट आ जाना। हाँ जी, ये देखना देखना है, वो पकड़ने लगा फिर गंदा बच्चा।
नहीं मैंने इसका हाथ पकड़ ली, ये देख टोपी भी नहीं पहनता। हाँ ये तो फजर के बाबा जो है हम इतना आगे चले गए हैं, चाहे हमें यहाँ पे गिदड़ जो है ना आ जाए, काट रहे हैं आकर गिदड़, मैं और मोहम्मद सुबान। अरे फजर के बाबा यहाँ पे गन्ने बहुत ही अच्छे खड़े हुए हैं, फजर लोगों के लिए यहाँ से गन्ने लेकर जाएं। ये गन्नों की इतनी पुलियाँ, ओए वेख बड़े सोने सोने गन्ने ना वेखी। हाँ मेरे साथ भी एक गिदड़ है, ये छोटा सा देखेंगे पूरा एक एकड़ हम उधर से शॉर्टकट करते हुए। हाँ जी और फिर ये दरिया के पास चल। हाँ जी तो पहुँचाना कश्ती में सवार मुसाफिर, लगता है कश्ती में बारात आ रही है फजर के बाबा। आए आज हम अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं कि ये देखें कश्ती में बरातें भी आती हैं। थोड़ा साइड भी हो गया है, ये खतरनाक मोड़ है, इधर नीचे दिखाना। ये देखे पहले कश्ती में बरात दिखाने दो मुझे। हाँ जी थोड़ा इसका जूम करके दिखा। आवाज नहीं आएगी है ना? नहीं आवाज आएगी, ये क्यों नहीं आएगी आवाज? ये देखे अभी ढोल की आवाज आ रही है ना आपको बताना, जिनको आ रही है वो बताएं हमें। हाँ जी ये देखे आज मैं आपको देख, सूरज हमारा गुरूब होने लगा है। हाँ जी साइड पे जा रही है बरात, वो बरात जा नहीं रही है आ रही है, आज जंगल में मंगल लगा हुआ है। ये देखे चेक करें अभी, तुम इधर आओ ऐसा ना हो कि दोनों माँ बेटी को फिर मुझे पकड़ना पड़े। नहीं हम लोग नहीं गिरने वाले। हाँ जी ये देखे भाई आज ढोल ढमक्का हो रहा है। पहली दफा वैसे हम लोगों ने देखा है कि जो है बारात जो है वो कश्ती में आ रही है। हमने भी पहले देखा। हाँ जी अभी थोड़ी ज़ूम करके दिखाऊं। हाँ जी दिखाएं मुसाफिर कितने हैं कश्ती में वो भी दिखाएं। हाथ किधर? हाँ वो था थोड़ा कम। हाँ जी तो अभी हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, अगर हम थोड़ा आगे होते तो फिर हमने वहाँ पर कश्ती से बारात उतरती गुजर जो है दिखाते आपको भी। हाँ जी तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे दरिया पे, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने जाना था आप ही के पास तो यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, ये देखो हमने यहीं पे धरना लगाया हुआ है तो हम लोग यहीं पर बैठे हैं। एक्चुअली यहाँ से हमारा आने वाला है एक सरप्राइज़ गिफ्ट, सरप्राइज हमारे लिए नहीं है वो आप लोगों के लिए, क्योंकि हमें उस गिफ्ट का पता है। वो जो गिफ्ट फजर और फैका लोगों के लिए भी। हाँ जी उनके लिए सरप्राइज है वो। तो मोहम्मद सुबान जब पैदा हुआ तो इसको इसकी मासी ने एक गिफ्ट दिया था, तो अभी हम लोग वही गिफ्ट जो है वो रिसीव करने आए हैं यहाँ पर दरिया पे। तो हाँ जी कश्ती जो है वो अभी उस साइड पर जा चुकी है, तो लगते आप ही लोग भी वहाँ पर आ चुके हैं, तो उन्होंने गिफ्ट देना है कश्ती वालों को। और मैंने भी एक छोटा सा गिफ्ट जो है जो शॉपर में था, शायद मैंने दिखाया नहीं है, वो मैंने फजर के बाबा को कहा कि वो कश्ती वालों को आप दे दें, तो इन्होंने वो कश्ती वालों को दे दिया। और अभी हमारा पार्सल वहाँ से इधर आएगा, तो जो पार्सल आएगा ना वो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं वेट कर रहे हैं, मोहम्मद सुबान भी ऐसे ऐसे कर रहा है कि हमारा गिफ्ट आने वाला है, तो अच्छी बात है गिफ्ट मिलते रहने चाहिए ना, खुशी होती है ना कोई गिफ्ट दे तो। अभी फजर के बाबा जो है ना वो गिफ्ट लेने के लिए गए हुए हैं, अभी पता नहीं वो कब एंट्री मारते हैं और हम गिफ्ट जो है उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखें जी इस साइड से आ रहे हैं फजर के बाबा गिफ्ट लेकर, ये है मोहम्मद सुबान का गिफ्ट जो जब ये पैदा हुआ था तो इसको मिला है इसकी खाला की तरफ से। हाँ जी तो ये था मोहम्मद सुबान का गिफ्ट जो इसकी खालों की तरफ से इसको मिला है। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा जो है ना भूख लगी है, मैंने फजर के बाबू का इसको थोड़ा सा खाने दो फिर हम इनको लेकर चलते हैं घर। और ये फजर हाँ जी कश्ती जो है वो उस साइड पे चली गई है दूसरी साइड पे, और ये फजर लोगों के लिए बहुत सरप्राइज हो गया जब हम ये दोनों चीज़ें दोनों जो है गोट्स लेकर जाएंगे वो। हाँ जी तो अभी मैंने मोहम्मद सुबान को पकड़ाया उनके बाबा को, और मैंने अपनी जो छोटी सी मेमो है इसको उठा लिया, और अभी इनको लेकर चलते हैं क्योंकि हमने इतना सफ़र करना है ना। हाँ जो भूख लगी है इन दोनों को बहुत भूख लगी है, आ जाओ आ जाओ ये चारा खाती थी, अभी घर जाके फिर मैं इसको चारा डालूंगी। चलो भाई बाय बाय, ये इसके खालू आए थे वहाँ पे फिर हमने यहीं से बाय बाय कर दिया, उन्होंने था कि ये लोग यहाँ पे आएंगे, लेकिन हम जब यहाँ पे पहुँचे तो हमने कहा भाई जो हमारा गिफ्ट है ना वो यहीं पे पहुँचा दो, हम यहीं से रिसीव कर लेंगे, हम नहीं वहाँ पे आने वाले क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ जी तो अभी फजर के बाबा और मोहम्मद सुबान जो है ना वो जा रहे हैं। मोहम्मद सुबान ओए
वो जा रहे हैं आगे आगे और हम लोग जा रहे हैं पीछे पीछे, ये इस साइड पे अभी हम नजर आए हैं ना, ये छोटी मेमो भी है और मैं भी हूँ, और वो लोग जो है ना वो जा रहे हैं इधर। दरिया को हमने काफी, ये साथ साथ दरिया चल रहा है और वो हमने कश्ती को पीछे छोड़ दिया। इतना दूर हमने जाना है, अभी हमें आज रात हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी, जाके खिलाते हैं आपको खाना। हाँ जी नहीं अम्दी, हाँ जी। तो अभी ये यहाँ पे चारा खाने लगी हैं और मोहम्मद सुबहान ये सो चुका है यहाँ पे, और इधर गए हैं फजर के बाबा गन्ने लेने के लिए। यहाँ पर ये देखे काफी सारे गन्ने पड़े हुए थे, फिर मैंने कहा यहाँ से ले लेते क्योंकि मुझे प्यास भी लगी और भूख भी लगी हुई है जोरों की। गुड्डा आप इसको पकड़ो ना, मैं इसको जल्दी से उठाती हूँ। ये खड़ी हुई है, वो इसको दूध नहीं पीने दे रही माँ इसकी। हाँ जी, तो मोहम्मद सुबहान जो है वो पहले पहुंच चुका है और हमारी गाड़ी ये खड़ी है और अभी हम लोग आए हैं। इन लोगों ने मुझे बहुत तंग किया, मैं इसको उठा के लेकर आई हूँ। ये तो दरिया की तरफ जाती थी, मैंने कहा गिर ना जाइए। लोड करे? हाँ जी आप करोगी? मैं? हाँ जी हाँ, दरवाजा खोले ना, मैं इस छोटे को बिठा लेती हूँ पहले। ले आओ, ये कपड़ा नीचे होता ना, मैंने कहा कुछ 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 बेहतरी हो जाती है कपड़ा। सीट के ऊपर बिछा उनके काम चेक करो। तुम किधर देख रहे हो? हम बाब सुबहान जो है वो अपनी माम और बाबा का जो जुगाड़ है वो देख रहे हैं कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं आजकल। हाँ जल्दी करो, कहना आसान और करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये देखिए अभी इन्होंने हमें इतना ज्यादा तंग किया, अभी सुबहान को भी तंग कर रहे हैं। चले चले गाड़ी चलाए, अभी हम आपसे मिलेंगे घर जाकर, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत ज्यादा तंग करना है। अभी ये तंग कर रही है, वो तो अभी शीशे तोड़ने वाली, भाई प्राई गाड़ी है हमने देनी है, और ये क्या कर रही है, अगर शीशा टूट गया तो हमें इतना नुकसान फिर भरना पड़ेगा। चलो भाई चलो जल्दी करो। ये देखो ये बकरी है, हाँ जी। तो अभी फजर लोगों को मैंने नहीं बताया, अभी हम लोग आ चुके हैं आप ही के यहाँ से। ये आ गई गाड़ी, ये देखे फजर। हम लोग इनके लिए गन्ने लेकर आए हैं, लेकिन ये ऑलरेडी गन्ने लेकर फिर रही हैं। ये देखो क्या है, इधर आओ, ये क्या है? ये देखो ये खड़ी हुई है और ये इसकी माँ सो रही है, बैठी हुई है। बड़ी मुश्किल से इसको बिठाया था, ऐसे खड़ी हुई थी, अब इसको भी बाहर निकालते, इन बेचारियों को भूख लगी हुई है। ये बैठी हुई नहीं कर, नहीं कर, मैं नहीं कर, आ जा नहीं, खड़ी हो, खड़ी हो जा। क्या है? ये क्या? ये बड़ी बकरी है, ये बड़ी बकरी है, ये हमारी है, तेरी बकरी है, आप ये पकड़ के ले आओ बाहर। वो पीछे जा रही है, पकड़ लो पकड़ लो, वो पीछे चली गई, दरवाजा खोलना था, वो भी आ जाएगी बाहर। हाँ जब माँ के पीछे आ जाएगी ना, ये दरवाजा खोलो ना। आज सियाना है ये, आ गई ये, इसको भूख लगी हुई, दूध नहीं पीने देती है, देखो दूध पिलाओ उसको, पकड़ के ना, अभी पीने दे रही है, शुक्र है पीने दे रही है। हाँ जी, तो अभी मैंने बकरी को जो है ना अंदर ही बांध दिया क्योंकि रात को सर्दी होती है। तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। जितनी मेरी वीडियो शुरुआत में एक्साइटेड थी मैं, अभी उतनी थक चुकी हूँ। तो आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फजर आ जा।